गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी मैं निकल रहा हूँ अगेन, नीचे जा रहे हैं हम कुछ काम से। मैं दिव्या, आज मेरी डॉक्टर की भी अपॉइंटमेंट है, मेरे डेंटिस्ट के साथ बहुत सारे काम है बेसिकली आज भी। तो अभी बस निकल रहे हैं। हाँ जी, जैसे मैं अंदर आ गया, पापा पापा पापा, इसको लग रहा था अब इसको लेके जाएंगे बाहर, क्योंकि मैंने मास्क पहना हुआ था। तुम कहीं नहीं जा रहे? जा रहे हो क्या हमारे साथ? ये नहीं ना बंदर, कल पार्क में थे दिव्या, मैंने पापा कहे तो सामने डॉगी था, कह रहा हूँ व्लॉग में आया भी है कल की व्लॉग में, बहुत स्मेल है। देखो ये ना, ये इसको ना पता है कि इस ये करने तो हाँ ये पंगे लेता है। अभी सोचिए कितना सरकास्टिक है ये, मैं काटूं तेरे को, ये बड़े होके तो बोल ले पाऊंगा। पकड़ 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 काट लो खींचो ना। आपको लग रहा है हमारी कंधों के यहाँ पे हमेशा शर्ट गीली क्यों होती है? तो खींचो काट काट के कर देता है। हाँ भाई, क्या बंदर की तरह आवाज निकालता रहता है, कीचड़े कीचड़े भाई, कीचड़ 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 कीचड़। शक्ल देखो शैतान वाली, शक्ल देखो इसकी, इसको बेड पे बैठा दो, एक रस पकड़ा दो, ये सेट है मम्मा, ये बंदा चिल करता है, है ना मम्मा? एक रस दे दो इसको और ये चिल जाएगी। बस खाना खा के निकलेंगे हम लोग, अगले कुछ भी कर सकता है। ये देखो कहाँ घुस गया कीचू, एलेक्सा स्टॉप। ये देखना, ये सोफे के नीचे घुस गया भाई, ये अपने आप एलेक्सा को निकाल, एलेक्सा को रेस्क्यू कर रहा है कीचू। है हेलो छोटे छोटे, आजा बाहर अब। मम्मा नहीं पापा, अटक गया मुझे लग रहा है कि निकल नहीं पाएगा, निकला जाए। हाय, वे गोइंग मार्केट जाना है, डेंटिस्ट के पास जाना है, रेगुलर चेकअप कराना है, बहुत कुछ है। कीचू सो गया अभी, मतलब दिव्या ने सुलाया अभी उसको। दिव्या का एक दांत एक्सट्रैक्ट होने वाला है, विजडम टूथ। मैं पूछ रही थी आ गया मेरा, मुझे लग रहा था उतनी आया ही नहीं अभी तक, बट इट्स गोइंग टू बी पेनफुल, बट हो जाएगा तो कुछ कुछ काम। ओके बाय। ये देखो इसका दांत निकल रहा है, डर लग रहा है। इसको आइसक्रीम खा सकते हैं, आराम मिलता है पेन में। मैंने तो बहुत दांत निकलवाए थे बचपन में। चल कैरी ऑन। तो पता लगा दिव्या का एक विजडम टूथ है जो एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो वो एक्सट्रैक्ट करवा रही है अंदर, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। डन, दांत निकल गया दिव्या का। अब ये बोल नहीं सकती कुछ टाइम के लिए ना, कितनी देर है? 2 आवर्स, हाफ एन आवर के लिए म्यूट है इस समय। ये 10-15 मिनट हम लोग और मार्केट में घूमेंगे, क्योंकि 6 o'clock दिव्या को आइसक्रीम खिलानी है, डॉक्टर ने बोला है। अब नाउ शी कैन ओनली हैव कोल्ड फूड फॉर 24 आवर्स, शी कांट हैव एनीथिंग हॉट और वार्म। इतना ही है, इतना काफ़ी तेरे लिए, इससे बड़ा नहीं है कोई। दो और दे दो, दो और दे दो, इसकी चम्मच भी दे दो, इसमें 3 ये खाएगी और 1 मैं होगा, है ना? हमने विश्रम टूथ निकलवा लिया है। ये बोल नहीं पा रही बेचारी, मैं आइसक्रीम खाऊंगा। वहाँ रख ले थोड़ी देर की, आइसक्रीम ठंडा ठंडा लगेगा, कुछ लग ही नहीं रहा। सुनने अभी सुनने ना, हाँ किधर है कीचू, पाक गया होगा। मेरे को आइसक्रीम दे दे दे, मेरी वाली। अबे मेरी देना, नई वाली देना। हेलो आधी खा के देखो आइसक्रीम, वहाँ से जाकर आधी
विंटर भी करा है। अरे मेरी अनुभव आया हुआ दिल्ली वैसे मिलने आया अभी। नमस्ते हेलो किसी को चच्चा आ गए कौन से किसी कौन से चच्चा है ये जोक समझ गए तो हमें चच्चा बोल रहे वो वाले चच्चा नहीं हम तो अरे असली वाले मिर्जापुर वाला चच्चा नहीं है अभी मिर्जापुर वाले चच्चा नहीं हम तेरे को सैनिटाइजर को मम्मम बोल रहा है कह रहे मम्मम ये मम्मम नहीं है बेटा। तो आज हो रहा है बॉयज नाइट आउट मतलब ऐसे ओवरनाइट नहीं बट सिर्फ राहुल भैया आ रहे हैं कार्तिक आ रहा है और अनुभव यहाँ पे है तो हम लोग सब लोग गाड़ी में जाने वाले हैं राजेंद्र का ढाबा कुछ कुछ खाने का मेरा मन था तो बहुत टाइम से पेंडिंग है कार्तिक काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं कि भाई प्लान बना लेकिन प्लान बन ही नहीं पा रहा था तो आज फाइनली हम लोग ने डिसाइड किया है कि सारे लड़के लोग जा रहे हैं वहाँ पे और दिव्या को ये नहीं पता है कि सिमर भाभी भी आ रही है मैंने उनको बोला है कि सिमर भाभी नहीं आ रही तो सिमर भाभी यहाँ रुकने वाली है और रिद्धा भी यहाँ रुकने वाली है हम लड़के लोग जाएंगे गाड़ी पे गेड़ी मारने। काट रहे इसको कैमरा नहीं पकड़ने देना ना। हेलो सरप्राइज सरप्राइज देंगे तो उसको बताते नहीं है अंजी रीता मैंने रिची के लिए चीज निकाल के रखी है हेलो ऑल गुड बढ़िया सब लौंडे लपाटे गाड़ी में इकट्ठे हो गए कार्तिक भी आ गए कैसे भाई हेलो भाई क्या पीछे आदि भाई आ चुके हैं तो हम लोग पहुंच गए राजेंद्र का ढाबा में ये पूछ रहे थे पार्किंग वाले भैया से कि कब तक ऑर्डर्स एक्सेप्ट होते हैं तो 10:30 बजे मोस्टली बंद हो जाता है वो कह रहे हैं तो अभी वी आर गोइंग टू प्लेस सम ऑर्डर सब लोग खाने वाले अनुभव भी है पीछे आदित्य भी है और कार्तिक और राहुल भैया गए हुए हैं तो गाइस हम लोग घर पहुंच चुके हैं और आदि भाई भी नीचे ही उतरे मैं ऊपर जा रहा हूं मैं कार्तिक अनुभव और राहुल भैया तो खाना जो है वो पैक करा लिए क्योंकि वहां पे ना जगह ही नहीं थी मतलब सब पैकअप हो रहा था और हम बहुत लेट हो गए थे तो एनीवे आदि भाई अभी इसको सैर कराने जाएंगे विंटर को और हम लोग ऊपर जा रहे हैं खाने क्योंकि आदि डिनर कर चुका है हाँ उसके बाद 2 डिनर हो चुके हैं ना तो वह इस समय रात के 1:30 बज रहे हैं कीचू सो चुका है दीदा यहाँ बैठ के कुछ देख रही है फोन पे और हालात कुछ इस तरह के हैं कि मतलब बहुत टाइम अरसे बाद जब ऐसे मुलाकात होती है ना सब लोग फैमिली वाले मिलते हैं तो जो सीन होता है वो दिखाता हूँ आपको मैं
तो गाइस इस समय बजे रात के 1:30, सब लोग जा चुके हैं, अनुभव भी निकल गया क्योंकि ही हैड अ फ्लाइट टू कैच। तो अब हम लोग बस सोने की तैयारी कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी सो चुका है। तो आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पे अगर आप नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू टुमारो। बाय बाय।